हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों इलास्टिक रिकवरी टेस्ट ऑफ पीएमबी 26-10 ई बिटवीन के बारे में। अब इसका जो टेस्ट करेंगे वाईएस 15-462019 के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका टेस्ट करेंगे। जो उसमें डिटेल्स बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन को 75 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मेल्ट किया जाता है, और जब तक ये लगभग सॉफ्टनिंग पॉइंट में ना आ जाए, फ्लूट के रूप में ना हो जाए, तब तक इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, जो मेल्ट बिटवीन को हम ब्रास प्लेट में सेट इलास्टिक मोल्ड में डालते हैं, उसके पहले ब्रास प्लेट और इलास्टिक मोल्ड में हम ग्लिसरीन और डेक्सट्रिन के सोलूशन को लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, अच्छी तरह से ग्रीसिंग करते हैं इस मोल्ड में, उसके इंटरनल साइड मोल्ड में अच्छी तरह से ग्रीसिंग करके, और उसके बाद इसमें हम पोरिंग करेंगे बिटवीन को। देखिए हम जो इलास्टिक मोल्ड है हम उसको किस प्रकार से सेट करते हैं। जो ब्रिकेट मोल्ड होते हैं वो ब्रास मेटल के बने होते हैं, ये हम बोथ साइड इसके जितने दोनों पीस में भी हमने लगा दिया है, इसमें ग्रीसिंग कर दिया है। ग्रीसिंग करने के बाद हम इसमें सेट करेंगे जो बेस प्लेट है, हम उसमें मोल्ड को सेट कर देते हैं। ये दोनों साइड की जो क्लिप है, क्लिप और दोनों साइड की जो ग्रीव है उनको फिक्स कर देते हैं मोल्ड में, मूवेबल एंड होते हैं दोनों। इसके बाद हम इसमें बिटमिन जो है वो पोर करते हैं दोस्तों। उसके बिटमिन को मोल्ड में पोर करके उसे 30 से 40 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में एयर में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मोल्ड को एयर में कूल करने के बाद देखिए, मोल्ड को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि मोल्ड को अच्छी तरह से हमको ग्रीसिंग करना, और ग्रीसिंग करने के बाद इसमें हम बिटमिन पोर कर रहे हैं। हमने एक मोल्ड में बिटमिन पोर कर दिया है। दूसरे मोल्ड में भी हम बिटमिन को पोर कर लेंगे। ये हमने दूसरे मोल्ड में भी बिटमिन को पोर कर लिया है। ग्लव्स वगैरह आप ज़रूर पहनिएगा दोस्तों। जो अभी नए जो टेक्नीशियन होते हैं उनको सावधानी ज़रूर रखना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और मोल्ड को ठंडा रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि 15 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में वाटर बाथ में 30 मिनट के लिए रखेंगे। ये एयर में जब 30 से 40 मिनट हो जाएगा इसमें, तो ये अच्छी तरह से कूलिंग हो जाते हैं, और कूलिंग होने के बाद हम जो डिजिटल इलास्टिक रिकवरी टेस्टिंग मशीन होता है, हम उसमें 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके हम इन दोनों मोल्ड को उसमें डाल देते हैं 30 मिनट के लिए, उसमें वाटर बाथ में डाल देंगे। ये देखिए हमने दोनों मोल्डों को डाल दिया है वाटर बाथ में, ये दोनों मोल्ड वाटर बाथ में रख दिए गए हैं 30 मिनट के लिए। ये वो जगह है दोस्तों जहां हम इन मोल्डों को सेट करेंगे इलास्टिक रिकवरी टेस्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं। तीस मिनट होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इन मोल्डों को निकालते हैं। ये देखिए पॉइंटर है, ये पॉइंटर जीरो में भी सेट है, जो स्केल दिख रही है आपको तो पॉइंटर जीरो में भी सेट है। ये हमने स्पीड को 50 mm पर मिनट के हिसाब से सेट करके रखा है, जो कि इसमें बताया गया है यस कोड में कि 50 mm पर मिनट के हिसाब से इसको ऑपरेट करना है। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी टेस्टिंग मशीन है, इसमें कूलिंग करने का और पंप और हीटर सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। यदि हमको कूलिंग करना है तो इसमें कूलिंग का बटन दबाना होगा, और यदि हमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीटर का बटन दबाते हैं, और यदि टेम्परेचर कम करना है तो कूलिंग करते हैं।
में रेफ्रिजरेटर जो भी वो भी लगाया गया है इसमें सेट है। ये देखिए हम अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको, इसमें ये देखिए हीटर लगा हुआ है और इधर पंप लगाया गया है ताकि जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर पूरी जगह जो है वो प्रॉपर इक्वली टेम्परेचर जो वाटर का टेम्परेचर है वो इक्वल रहे सभी जगह पे। ये पूरा रेफ्रिजरेटर सिस्टम है दोस्तों, ये ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर भी इसमें लगा प्रोवाइड किया गया है। इसका टेम्परेचर जो हम रखेंगे इलास्टिक रिकवरी टेस्ट के लिए वो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं दोस्तों। जो हमारे मोल्ड हैं दोस्तों वो मोल्ड वाटर बाथ में 10 mm डेप्थ में जो है उससे पानी ज़्यादा होना चाहिए, मोल्ड से 10 mm की डेप्थ में पानी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो डूबे होने चाहिए मर्ज पानी में जो पूरी तरह से डूबे होने चाहिए। ये हम इसको बराबर अभी सेट करेंगे मोल्ड को, इसको हमने जीरो में सेट कर दिया है। तीस मिनट होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो मोल्ड है इनको निकाल कर ट्रिमिंग करते हैं, इनको इनका जो लेवल रहता है हम उसको बराबर करते हैं एक गरम चाकू करके, और इन दोनों मोल्डों को हम लेवल में लाते हैं और उसके बाद फिर से इसमें वाटर बाथ में इन दोनों को हम रखेंगे। इस प्रकार से रखेंगे कि दोनों क्लिप को इसमें निकाल लेते हैं, इनके दोनों साइड्स को निकाल कर, और दोनों क्लिप को हम नट के थ्रू इसमें रख करके फिक्स कर देते हैं, सेट कर देते हैं ट्रिमिंग करने के बाद। सेट करने के बाद दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमको 85 से 95 मिनट के लिए इलास्टिक मशीन पे हमको सेट करके रखना है 85 से 95 मिनट के लिए दोनों मोल्डों को। ये देखिए हमने दोनों क्लिप में नट को लगाकर इसे सेट कर दिया, फिक्स कर दिया है। ये आसानी से हम दोस्तों जब निकालेंगे मोल्ड को तो आसानी से निकालेंगे ताकि जो हमारा मोल्ड है वो टूटे नहीं किसी भी गलती से। ये साइड्स को निकाल लेते हैं हम आसानी से। दोनों साइड्स को निकाल कर और जो डिजिटल डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन है उसमें हम सेट कर देते हैं। ये हमने सेट कर दिया दोस्तों, अब ये 90 मिनट के लिए इसमें हम छोड़ देंगे 85 से 95 मिनट, तो हमने 90 मिनट तक इसमें रखेंगे। और रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर हम इसको जो पॉइंटर देखिए हमने चालू कर दिया मशीन को 50 एम पर मिनट के हिसाब से, और 10 मिनट के लिए हम इसमें 10 सेंटीमीटर तक हम इसको खींच के ले जाएंगे। ये मशीन ऑटोमेटिक चल रही है दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर में जैसे ही आएगा ये हमारा पॉइंटर तो हम उसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे मशीन को। ये भी 4 सेंटीमीटर तक पहुंचा है हमारा पॉइंटर, जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेशन 5 सेंटीमीटर तक चला गया। ये देखिए धीरे धीरे जो है वो 10 सेंटीमीटर में जैसे ही आएगा तो हम इसको स्टॉप करके कट करेंगे दोस्तों कैंची से, तो इक्वल पार्ट में हम इसको कट करते हैं मिड पॉइंट से। ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में जैसे ही आएगा तो हम इसको स्टॉप करेंगे।
ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, ये हमने 90 मिनट रख लिया है और 90 मिनट रखने के बाद वाटर बाथ में, और फिर हम इसमें कट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ में, इसको खींच कर मोल्ड को 10 सेंटीमीटर जो इसमें स्पेसिमैन है, जो इसमें विटामिन मॉडिफाइड विटामिन डाला गया है, तो उसको हम 10 सेंटीमीटर तक खींच कर इसको कट करेंगे। 10 सेंटीमीटर लेंथ में हमने इसको खींच लिया है स्पेसिमैन को, और ये स्टॉप कर दिया है हमने, और इसको कैंची से मिड पॉइंट से हम कट कर देंगे। दोनों स्पेसिमैन को कैंची से हमने कट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, और पार्ट में ये देखें जो नोक है दोनों के सीधे, सभी स्पेसिमैन के हम उनको नोकों को सीधा कर देंगे, और इसके बाद हम 1 आवर के लिए इसको छोड़ देंगे दोस्तों। 1 घंटे बाद हम इसका जो है देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रहा है, जो इसमें ये देखिए हमने रीडिंग देखा है, तो ये पहले वाला जो इधर वाला स्पेसिमैन है उसका रीडिंग आया 2.7, ये देखिए दूसरे वाले का देखेंगे हम, पहले वाली की रेटिंग 2.7 है लेंथ की, जो रिकम्बाइन हम इसको रिकम्बाइन करके देखते हैं, तो रिकम्बाइन जो लेंथ आ रही है इसकी तो 2.7 आई है दोस्तों पहली रीडिंग, और दूसरी ये देख रहे हैं हम, तो दूसरी देखेंगे तो आप 2.5 सेंटीमीटर जो है उसमें रिकम्बाइन हो रहा है, इसको पुनः जोड़ रहे हैं हम, लेंथ को देख रहे हैं जोड़कर, तो पहली रीडिंग जो है वो 2.7 और दूसरी 2.5 सेंटीमीटर आई है। अब इस एक्स की वैल्यू को हम ये फार्मूला में सेट कर देंगे दोस्तों, और इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो फार्मेट आपको दिख रहा है इलास्टिक रिकवरी टेस्ट का, इसका फार्मूला होता है 10 - x / 10 × 100 दोस्तों, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो इलास्टिक रिकवरी पहले वाले मोल्ड का है वो 73% आया, और दूसरे का 75% जो है इसकी वैल्यू आई है दोस्तों, और दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज इलास्टिक रिकवरी जो आया वो 74% आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हम इलास्टिक रिकवरी